नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। जिस प्रकार हमारी सरकार कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी की जंग में जनता के साथ खड़ी है, उसी प्रकार जनता भी लॉकडाउन में सरकार का पूरा सहयोग कर रही है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों में लॉकडाउन की गाइडलाइन के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आइए, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जनपद शिवपुरी के कस्बा करेरा की एक स्टूडेंट कुमारी विधि शर्मा, पुत्री श्रीमती सोनिया चंद्रशेखर शर्मा केंद्रीय विद्यालय से, जो आपको दे रही हैं कुछ बेहतर संदेश। आइए देखते हैं। मेरा नाम विधि शर्मा है, मैं श्रीमती सोनिया चंद्रशेखर शर्मा की पुत्री हूँ। मैं करेरा से बिलोंग करती हूँ। मैं कोरोना के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, जो शायद मेरे अंदर तक एक बात गई है उसको सामने लाना चाहूँगी सभी के, कि सूना शहर और बस्ती हो गई, बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई, आज फिर ज़िंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई, आज फिर ज़िंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। कोरोना वायरस ने जिस तरह से हमारे देश को, हमारे विश्व को घेरा है, उसके बारे में पांच बातें कहना चाहूँगी। लॉकडाउन है, लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन है, कैसे दिन जाए, केवल कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात मेरी कि 21 दिन तक आप अपनी किसी बुरी आदत को सुधारिए, अब उसको चैलेंज कीजिए कि आप उस बुरी आदत को कैसे छोड़ देंगे। अगर आप उसको छोड़ने में सक्सेसफुल रहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा खेल शायद कोरोना भी जब तक ढल जाएगा और आपकी वो बुरी आदत भी चली जाएगी, क्योंकि लोहे को कोई ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ऐसी उसको ख़राब कर देती है। इसलिए इंसान को खाली दिमाग उसका बर्बाद कर देता है, इसलिए किसी चीज़ में अपना ध्यान लगाएं। और नंबर दूसरी बात, अपने दिमाग को खाली ना छोड़ें, कुछ अच्छे कामों में, कुछ अच्छे विचारों में ध्यान लगाएं। और तीसरी बात कि लॉकडाउन में बहुत समय है, लॉकडाउन हमारे लिए खास है। कुछ लोग शायद अपने परिवारों से दूर, अपने घरों से दूर अपनी ज़िंदगियां गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन आज वो घर में है, अपने माता पिता के साथ अपना समय बिताएं, उनको उनके साथ सीखें, क्योंकि वो हम बड़े हो गए, उन्हें हमें बचपन में क्या दिया, प्यार, शिक्षा, उन्हें हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, केवल उन्हें वो चाहिए जो वो प्यार, एक इज्जत, केवल हम वो उन्हें इस 21 दिन में दे सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी ज़िंदगियां इतनी महंगी हो गई हैं कि हम किसी काम को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पहले घड़ी नहीं थी, समय बहुत था बचपन में, और आज सबके पास ब्रांडेड घड़ियां हैं, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। मेरा ये मानना एक व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए अपना समय अपने माता पिता के पास बिताएं, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी माँ मेरी जन्नत है, पिता उसका दरवाजा है, मेरी माँ मेरी जन्नत है, पिता उसका दरवाजा है, सबको जन्नत यहीं मिलेगी, ये विधि का अंदाजा है, सबको जन्नत यहीं मिलेगी, ये विधि का अंदाजा है। अब मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगी कि मास्क पहनना बेहतर है वेंटिलाइजर पहनने से, घरों में रहना बेहतर है क्वारंटाइन होने से, घरों में रहना बेहतर है क्वारंटाइन होने से, किसी बीमारी का शिकार होने से बेहतर है कि हम अपने घर में रहें। हाथ धोना बेहतर है ज़िंदगी से हाथ धोने के लिए, क्योंकि आप लोगों का दोस्तों इस समय आपसे मिलना, आपका ये ज़रूरी नहीं कि हम आपसे मिलें, आपका होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जहाँ हैं वहीं रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। न चलते दीप से पूछोगे बागी तेल कितना, न चलती सांस से पूछोगे बागी खेल कितना, अगर पूछना चाहते हो तो शमशान जाती हुई उस दास से पूछो कि कफन में चैन कितना और सफ़र में बेदना कितनी। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा, गुरूर ना कर शाये शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। ज़िंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, ज़िंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना इस समय तुम्हें कोरोना में कफन का कोई ब्रांड नहीं मिलेगा। इस कोरोना